केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और लोगों को कुछ शर्तों के साथ अपने अपने घर जाने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्री ने मजदूरों के लिए भले ही गाइडलाइन जारी कर दी हो, लेकिन बिहार के मजदूरों की वापसी की राह अभी भी आसान नहीं है। दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूर कैसे बिहार वापस आएंगे, इसका कोई जवाब बिहार सरकार के पास फिलहाल नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा है कि हमारे पास इतनी बसेस नहीं है कि उन्हें वापस बुलाया जा सके, लेकिन ये भी कहा है कि मुख्य सचिव के साथ बैठक कर सारी बातों पर चर्चा करेंगे और कोई रणनीति बनाई जाएगी। सर, मजदूर को लाने का कोई आप लोग गाड़ी का इंतजाम करेंगे या कैसे आएंगे वो लोग? देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। हमारे पास कहां बसे हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं। क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा कि हम घर के नजदीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रह कर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई घर आना चाहता, कोई कैसे रोका जा सकता है? लेकिन कितनी बसें आएंगी, कब बसें आएंगी, क्या तरीका होगा, अभी तो आज निर्देश आया है, मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं और अन्य राज्यों के साथ संपर्क करके और पूरी उसकी एक रणनीति जो है बनाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहारी मजदूरों को वापस लाने के सवाल पर बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ डेस्क।